फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत एस्ट्रो स्पेशल। और आप जानते ही हैं एस्ट्रो स्पेशल में हम बात करते हैं ग्रह और गोचर की, हम बात करते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र परिवर्तन की और उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ने वाला है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज एस्ट्रो स्पेशल में हम लेकर आए हैं बुध का राशि परिवर्तन। जी हाँ, और आज का जो हमारा विषय है वो है बुध का कर्क राशि में गोचर इन राशियों के जीवन में मचाएगा खलबली। क्यों कह रहे हैं ऐसा हम खलबली? देखिए, बुध जो है ना मिथुन राशि में चल रहे थे और मिथुन राशि स्वयं बुध की राशि है। अब उससे क्या होगा, बुध राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे, तो जीवन में कुछ लोगों के खलबली मचने जा रही है। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, ज्ञान, वाणिज्य का कारक माना गया है, उसका स्वामी माना गया है। बुध रोगों के भी स्वामी माने जाते हैं, बुद्धि के भी स्वामी माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह अपनी राशि मिथुन को छोड़ के शनिवार 8 जुलाई 2023 को दोपहर को 12:19 पर अपने शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और मंगलवार 25 जुलाई 2023 तक सुबह 4:38 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। बुध ग्रह काफ़ी लंबे अरसे से बुधवार 21 जून 2023 को सुबह 4:35 पर बुध अस्त हो गए थे और अपनी अस्त अवस्था में ही चल रहे हैं। और इसी बीच बुध ग्रह बुधवार 12 जुलाई रात को 8:14 पर उदय हो जाएंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बुध के अस्त अवस्था में होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं बुध के राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी आपको देंगे, मेष से लेकर मीन राशि तक आपको बताएंगे बुध के गोचर का क्या फल होने जा रहा है और राशि अनुसार आपको उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गोचर के प्रभाव की सभी राशियों के हाल पर। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष के साथ में। मेष राशि वालों, बुध का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा, भाग्य कमज़ोर पड़ेगा, आर्थिक सतर्कता बरतें, धन हानि के योग हैं, अजनबियों पर भरोसा करने से बचें, वाद विवाद से भी बचें। एक छोटा सा उपाय करें, बुधवार के दिन तुलसी पर गन्ने का यानी कि इक्षु का रस चढ़ाएं। बात करेंगे दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की। बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा, समस्याओं से सामना होगा, वाद विवाद से बचें, कार्यक्षेत्र में हर किसी पर भरोसा ना करें, जीवन साथी के साथ में वक्त बिता पाएंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को हरे मूंग दान करें। तीसरी राशि मिथुन के बारे में बात करते हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, छात्रों का समय बहुत शुभ रहेगा, परिजनों के साथ में वक्त बिता पाएंगे, सेहत हालांकि कुछ नरम रहेगी, वाद विवाद से बचें, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। उपाय ये करेंगे पूजा घर में कर्पूर से सूखा धनिया के दाने जलाकर धूप करें। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कैंसर की। बुध का गोचर आपके पहले भाव में लग्न में ही होने जा रहा है, बड़े धन लाभ के योग हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं, दफ्तर में कामकाज की सराहना होगी। एक छोटा सा उपाय करें, पक्षियों के लिए साबुत हरे मूंग रखें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। बुध 12वें भाव में गोचर करेगा, आर्थिक समस्याओं से सामना होगा, परिजनों से मनमुटाव के योग हैं, कामकाज में परेशानी आएंगी, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि तुलसी का पत्ता जल प्रवाह करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे। बुध 11वें भाव में गोचर करेगा, आर्थिक पक्ष आपका सुधरेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, दाम्पत्य में कड़वाहट रहेगी, परिजन मदद देंगे, प्रेम जीवन ठीक रहेगा। उपाय ये करें कि कलाई पर हाला धागा बांधें या बंधवाएं। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। बुध 10वें भाव में गोचर करेगा तुला राशि वालों, भाषा पर अपने काबू रखना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, आर्थिक लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी, वेतन वृद्धि के हालांकि योग हैं, कारोबारी लाभ भी होगा। उपाय ये करेंगे दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बात करेंगे आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। बुध 9वें भाव में गोचर करेगा, भाग्य बली होगा, कार्यक्षेत्र में तारीफ मिलेगी, आर्थिक सौदे सफल रहेंगे, निवेश से लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। उपाय ये करें कि गणपति पर हरिदूब यानी कि दुर्वा चढ़ाएं। नवी राशि धनु की बात करेंगे।
बुध आठवें भाव में गोचर करेगा, धन लाभ के योग हैं, निवेश से धन लाभ होगा, दाम्पत्य रसिक रहेगा, नई संपत्ति लेने के योग हैं, कार्य सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को हरा कपड़ा दान करें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, बुध सातवें भाव में गोचर करेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, बड़ी कारोबारी सफलता मिलने के योग हैं, साझेदारी में बड़ा लाभ होगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि किसी किन्नर को मीठा पान खिलाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करेंगे, बुध छठे भाव में गोचर करेगा, शत्रुओं से सतर्क रहना होगा आपको, लेन देन से बचें, कार्य क्षेत्र मंदा रहेगा, विवादों से बचें, नए कार्य शुरू करने से बचें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। और एक छोटा सा उपाय करें, तुलसी के निमित्त गाय के घी का दीपक करें। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे, बुध पांचवें भाव में गोचर करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिजनों के साथ में घूमने जाएंगे, कार्यक्षेत्र भी आपका सफल बना रहेगा। उपाय ये करेंगे दुर्गा मंदिर में मिश्री दान करें। तो दोस्तों ये था बुध के कर्क राशि में गोचर का फल। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।